नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए आप सभी को मैं बताता हूं कि आज के इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप सभी के एग्जाम पैटर्न को लेकर। जितने भी GGTU यानी कि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, उनके लगातार कमेंट आ रहे हैं, कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर, जो GGTU का जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है 2022 का, वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आप फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी आपकी विश्वविद्यालय से रिलेटेड कोई अपडेट आएगी तो सबसे पहले वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसी के बाद दोस्तों, आप सभी का एक डाउट तो मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो आप में से कोई, तो आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप में से काफ़ी स्टूडेंट अभी भी एक तरह से शंका में होंगे कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, तो ये डाउट अपना अपने माइंड से निकाल देना। आपकी बार आपको 1% भी प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस बार आपके 100% एग्जाम होने वाले हैं। इसी के बाद दोस्तों, तीन बड़ी यूनिवर्सिटी यानी कि दोस्तों MLSU, JNBU और राजस्थान यूनिवर्सिटी, और उसी के बाद दोस्तों एक चौथी यूनिवर्सिटी MSBU यानी महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी, इनमें जो एग्जाम पैटर्न को लेकर यूनिवर्सिटी छात्रों को राहत दे दी है। बाकी दोस्तों बात करें MLSU की, MLSU ने एक यूनिट के साथ छात्रों को राहत दी है, और JNBU और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 50% सिलेबस के साथ में छात्रों को राहत दी है। बात करें MSBU की यानी महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी की, तो उसने दोस्तों जो छात्रों को 70% सिलेबस रखा है, 30% सिलेबस के साथ साथ उसने छात्रों को राहत दी है। आप सभी दोस्तों के साथ एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, पिछली बार यानी कि लास्ट ईयर 2021 में जितना भी अधिकार था, परमिशन थी, वो उच्च शिक्षा विभाग के पास थी कि जो आपका एग्जाम पैटर्न वो ही चेंज कर सकता था, वो ही आपका एग्जाम पैटर्न कम कर सकता था। लेकिन दोस्तों इस बार उच्च शिक्षा विभाग ने जितना भी एक तरह से परमिशन है, जो भी सारा हक है, एक तरह से यूनिवर्सिटी वालों को दे दिया है। यूनिवर्सिटी चाहेगी अगर छात्र हित में तो आपका एग्जाम पैटर्न 50% कर सकता है। बाकी देखिए, जो आपके एग्जाम की डेट, आपका एग्जाम टाइम टेबल, सब कुछ यहाँ पर यूनिवर्सिटी को पूरा परमिशन मिल चुका है, उच्च शिक्षा विभाग ने दे दिया है। जो अदर यूनिवर्सिटी है उन्होंने, मतलब कि कुछ यूनिवर्सिटी सेम एग्जाम पैटर्न जारी कर रही है, कुछ अलग कर रही है, वो इसलिए कर रही है, अगर होता उच्च शिक्षा विभाग के पास में परमिशन तो वो सभी यूनिवर्सिटीज के लिए समान एक तरह से एग्जाम पैटर्न रखता। लेकिन अब यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी कर रही है, कुछ यूनिवर्सिटी कम कर रही है, कुछ ज्यादा रख रही है। तो इसी के बाद दोस्तों बात करें GGTU की, तो आप सभी दोस्तों को भलीभांति से पता है धीरे धीरे, यानी दोस्तों धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सभी यूनिवर्सिटी एग्जाम पैटर्न को लेकर छात्रों को राहत दे रही है। इसी प्रकार GGTU गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय भी आपको आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर राहत देने वाला है। बाकी दोस्तों आप बात करें आपके एग्जाम को लेकर, आपके एग्जाम अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं, जैसे कि कुछ छात्रों को डाउट रहता है फर्स्ट ईयर के छात्रों को कि जो एग्जाम पैटर्न 50% रहेगा तो उसमें क्या क्या रहेगा। फर्स्ट में तो आपका 1.5 घंटे का टाइम कर दिया जाएगा, जो आपका प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल आपका रिकॉर्ड के आधार पर करवाया जाएगा। जो आपका पेपर आएगा वो पेपर खंड में आएगा, ए खंड, बे खंड, सह खंड। सह खंड आपको प्रॉपर रूप से नहीं करना होगा, यूनिट के बाद तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ए खंड में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, वो भी आप कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो। बे खंड आएगा, बे खंड में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आप 2 या 3 क्वेश्चन कर सकते हो। इस प्रकार से आपका 50% सिलेबस में जो एग्जाम पैटर्न है वो रहने वाला है। इसी के बाद दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है आपकी परीक्षाओं को लेकर या आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी जो भी है वो मैंने यहां पर वीडियो पर क्लियर कर दिया है, क्योंकि आप सभी के कमेंट आ रहे हैं और आप सभी भी मुझे मालूम है चिंतित हो रहे हैं अपने एग्जाम पैटर्न को लेकर, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नजदीक है। बाकी दोस्तों आगे जाकर कोई भी ऐसी अपडेट आएगी जो कि GGTU के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ओके।